जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम और फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि अपना चैनल वो कैसे हमने वो मोनेटाइज़ करना है। देखें, आप अपना चैनल वो ख़ुद मोनेटाइज़ कर सकते हैं, आपको किसी की मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पैसे दे के भी अपना चैनल वो गवा बैठते हैं, अपनी जी मेल उसको दे देते हैं, पासवर्ड वो दे देते हैं, बाद में आपको महीने बार वो चक्कर लगाते रहते हैं। आज आपका चैनल रिव्यू में पड़ा रहता है, कल होना है, परसों होना है, तरसों होना है, इसी तरह आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होता। तो आपने अपना चैनल ख़ुद मोनेटाइज करना है। तो वो कैसे करना है, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, यहाँ पर आने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे वो लोग इस तरह का वो नहीं सिखाते जैसे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। चैनल के ऊपर आप नए आए तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और जो बेल का आइकन है उसको आपने वो प्रेस कर लेना है ताकि मेरी जो हर आने वाली वीडियो आप तक वो पहुँच सके। क्योंकि YouTube से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, और यहाँ पर आपको सीखने को वो कुछ मिलेगा जो कहीं और से नहीं मिलेगा। ये वो मेरा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो मैं आप यहाँ पर वो सिखाऊँगा आपको हमने वो अपने चैनल को कैसे वो मोनेटाइज करना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल के ऊपर और वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो समझाऊंगा। तो आपने सारे स्टेप को आपने फॉलो करना है, आपने वीडियो को कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका जो चैनल है वो उस तरह मोनेटाइज नहीं होगा। तो अपने वाइट स्टूडियो को आपने ओपन कर लेना है, तो मैं जो अपना वाइट स्टूडियो उसको मैं ओपन करने लगा हूँ। वाइट स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया है। ये जो नीचे लिखा हुआ है अर्न का ऑप्शन, इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। ये नीचे जो लिखा हुआ है साइन, डॉलर का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने वो क्लिक कर दिया है। तो यहाँ देखें, जहाँ लिखा हुआ है हेलो टेक्निकल एन एन यासर अप्लाई टू द योर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यहाँ अप्लाई नो के ऊपर हमने क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि ये देखें हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद हमारे 4000 घंटा वाच वो भी कम्प्लीट हो चुके हैं। 2 स्टेप वर्सिफिकेशन है वो भी क्लियर है, और उसके बाद हमें कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें वो नहीं मिली। ये तब ही हमें एक्सेप्ट करने को बोलता है जब ये हमारी चीज़ें चारों चीज़ें वो हमारी क्लियर होंगी। तो इसी तरह आपकी जब वो क्लियर होंगे तो आपको ये अप्लाई नो वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने इसके ऊपर वो क्लिक करता हूँ, ये जो हाँ अप्लाई नो लिखा हो, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है। ये हमारा पहला स्टेप आ गया। तो हमने ये 2 स्टेप वो क्लियर करने हैं, जहाँ लिखा हुआ है रिव्यू बेस्ड टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? बेस्ड टर्म बेस का मतलब ये होता है कि आपने इनकी जो है शरायत को हमने वो एक्सेप्ट करना होता है। तो उसके बाद हमने ये जो स्टार्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। तो ये हमारे पास इनकी जितनी भी वो मतलब है कि शरायत आ गई हैं सारी हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से आप वो उनको वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमने इनको वो फॉलो करना होता है। तो जाहिर बात है हमने इनको एक्सेप्ट करना होता है। तो सबसे हमने वो नीचे आ जाना है, यहाँ लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स। तो यहाँ जो बक्स बना हुआ इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर वो क्लिक कर देता हूँ, तो मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये जहाँ नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, इसके ऊपर हम वो क्लिक करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर वो क्लिक कर दिया है, जो एक्सेप्ट वाला, इसके ऊपर मैंने वो क्लिक कर दिया। तो ये जो हमारा पहले वाला ऑप्शन हो जाएगा वो बड़ी आसानी से वो क्लियर होगा, हो गया है। तो अब हमने जो है ना एडसन अकाउंट हमने वो बनाना है। तो ये हमसे वो पूछ रहा है, ये देखें हमने जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया है तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपका कोई ऑलरेडी एडसन अकाउंट बना या नहीं बना। तो हमारा नहीं बना हुआ मेरा, तो मैंने ये जो सेंटर वाला इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है। तो उसके बाद हमने ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने वो क्लिक कर देना है। तो मैंने उसके ऊपर वो क्लिक कर दिया है। तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस जो है वो ओपन हो गया है। ये देखिए हमें वो गूगल अकाउंट्स के ऊपर ले गया, तो हमें ये कह रहा है कि आपने जीमेल वो अपने वो एक्सेप्ट करनी है। तो मैंने अपनी जो जिसके ऊपर वो मेरा चैनल बना हुआ था उसके ऊपर मैंने क्लिक करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो जहाँ लिखा हुआ है गेट मोर अबाउट एडसन, ये जो यस वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने वो क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमसे वो ये वो नीचे कंट्री का पूछ रहा है कि आपकी कौन सी कंट्री है। तो मेरी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये नीचे जो बक्स बना हुआ है इसके ऊपर हमने ये वो क्लिक करना है। उसके बाद हमने ये जो लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, हमने अब इसका वो अकाउंट बनाना है, इसके ऊपर हम वो क्लिक करेंगे। ये यहाँ हमसे वो शरायत हमसे वो पूछा है, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। इनकी जितनी भी शरायत हमने वो यहाँ एक्सेप्ट कर दिए। तो अब हमें ये एडसन अकाउंट के ऊपर वो लेके गया है। वो यहाँ पे हमने वहाँ पे अपना एक फॉर्म फिल करना है, और आपने बड़े ध्यान से यहाँ फॉर्म फिल करना है। आपने कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर लोग यहाँ पर वो मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका एडसन अकाउंट वो नहीं बनता। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ वो नाम पूछ रहा है तो आपने अपने चैनल का जो नाम है यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है, और आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी स्पेलिंग की, आपने सेम सेम वही लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्निकल NN यासर, ये मेरा सेकंड चैनल जो मोनेटाइज है। तो यहाँ पे जो हमसे वो एड्रेस पूछ रहा है तो आपने ID कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वहीं आपने वो यहाँ पर वो मैंशन करना है, और लिखना भी आपने इंग्लिश में है क्योंकि हमारे ज़्यादातर ID कार्ड जो है वो उर्दू में लिखे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ आपने ऊपर और नीचे सेम सेम आपने वो एड्रेस लिखना है, तो यहाँ पे आपने कोई भी वो गलती नहीं करनी। तो उसके बाद हम वो नीचे आ जाते हैं, तो नीचे जब हम आएंगे तो ये हमसे वो सिटी के बारे में पूछेगा, तो आपने अपनी जो सिटी वो लिख लेनी है। तो यहाँ पर वो मेरा जो गुजर खान सिटी है मैंने वो गुजर खान वो यहाँ पर वो टाइप किया है। उसके बाद हमसे ये पोस्टल कोड पूछ रहा है तो मैंने अपने जो पोस्टल कोड है वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये फ़ोन नंबर हमसे पूछ रहा है तो हमने फ़ोन नंबर भी ऐड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हमने वो क्लिक करना है, तो ये हमारा जो है वो सबमिट हो गया। तो अब हमें ये फिर से हमें वो दोबारा अपना जो है वो YT स्टूडियो के अंदर ले गया है। तो यहाँ ये देखें ऊपर लिखा हुआ है हमारा जो नीचे लिखा इन प्रोग्रेस, ये इनके प्रोग्रेस के अंदर है। अब ये हमारा ये 24 घंटों के अंदर अंदर हमें पता चलेगा। तो ये देखें ये मैंने बाद में ये वीडियो बनाई है, तो ये देखें जहाँ ये लिखा हुआ है आपका वो क्लियर हो गया है। ये देखें हमारा एडसन अकाउंट जो है वो बन गया है। तो इस तरह आप ये अपना आसानी से चैनल वो मोनेटाइज कर सकते हैं, एडसन अकाउंट आप वो यहाँ वो बना सकते हैं। तो आपको किसी की भी वो मिन्नत समाजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दुआओं में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ वो नीचे वो मैंशन कर दूँगा, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह 24 घंटे आपके लिए वो हाज़िर हूँ, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।